बदलाव जिंदगी का नियम है और हमें बदलना भी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। हर घड़ी हर समय हमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और बदलाव क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। बदलाव ये है कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको खाने पीने का सामान अलग तरीके की पैकिंग में मिलेगा, तो आप हैरान ना होइए। जी हाँ, FSSAI अब जल्द बदलाव करने वाली है आपके स्वास्थ्य को देखकर, और आपको सतर्क करेगी, आपके खाने को साफ करेगी ताकि आप कुछ भी खराब खाना ना खाएं, ताकि आपको बीमारियों से जूझना पड़े। नमस्कार, मैं अंकुर अस्थाना स्वागत करता हूं आपका क्यूरेनी आयुर्वेदा में। और आप जानते हैं कि हमारा चैनल आपको कई सारी बीमारियों की आयुर्वेदिक जानकारियां, घरेलू नुस्खे और होम्योपैथिक के अलावा नेचुरोपैथी और एलोपैथी के भी इलाज बताता है। लेकिन आज की जो खास चर्चा है उसको हम आपके सामने कुछ इस तरह लेके आए हैं आपको जागरूक करने के लिए, ताकि आप उस बात को समझ सके। और जल्द ही बदलाव होगा, और इस बदलाव की स्थिति क्या है, कैसे पैकिंग में मिलेंगे सामान, कैसे हमें वो रखेंगे सुरक्षित, सारी चीज की जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी रिजवान खान जी बताएंगे और आपके सामने वो रखेंगे वो बातें जो FSSAI नई पॉलिसी के तहत खाद्य सामानों में लेकर आने वाला है। रिजवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस खास चर्चा में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो पैकिंग नहीं हुई है, नई तरीके की पैकिंग की पॉलिसी FSSAI लेके आ रही है, क्या लगता है आपको इसकी पैकिंग से क्या फ़ायदे होंगे और कैसे ये बचाव करेगी हमारे स्वास्थ्य के लिए? देखिए अंकुर जी, अभी जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आपने बात की थी बदलाव की जी। दरअसल बदलाव ज़रूरी है, चाहे हम अपनी ज़िंदगी की बात करें या फिर हम नई नई नीतियों के बारे में बात करें। राजनीति से लेकर सभी जगह ये देखने को मिलता है कि हर जगह बदलाव होना बेहद ज़रूरी है। ये वाकई में आपने बिल्कुल सच कहा। अब इसी को देखते हुए FSSAI ने भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे लोगों की सेहत को सही रखा जाए, यानी कि उनको स्वस्थ रखा जाए। इससे पहले की बड़ी चिंता बनी हुई थी कि जब हम लोग खाना लेते थे, किसी ठेले पे जाएं, दुकान पे जाएं, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर हम चीजों को पैक कर लेते थे, जो गर्म चीजें होती हैं वो पिघल करके जो उसके कीटाणु होते थे, जहरीले तत्व होते थे, वो खाने में मिक्स हो जाते थे और फिर हम उसे नजरअंदाज करके सटासट खा लेते थे, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों से दो चार होना पड़ता था और वही बीमारियां आगे चलकर हमारे लिए जानलेवा साबित। बात बीमारियों की आपने कर दी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों कि एम्स ने भी स्पष्टीकरण किया था कि कैंसर कहीं ना कहीं नशे के सेवन से, तंबाकू के सेवन से तो होता ही है, लेकिन आपके खाने की चीजों को रख रखाव से भी होता है। और इसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर प्लास्टिक के सामानों में हम गर्म चीज खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड की बात हो, घर के घरेलू सामान या खाद्य पदार्थ की बात हो, या फिर चाय की बात हो, तो आपने भी कहीं नुक्कड़ सड़कों पर, लोग हम लोग भी पीते हैं, नुक्कड़ सड़कों पर हम लोग अक्सर देखते हैं लोग पीते हैं चाय प्लास्टिक के गिलास में रिजवान जी, और बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि लोग गर्म गर्म खाना बड़ा पसंद करते हैं, चाट की दुकानों में फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन वगैरह प्लास्टिक की प्लेट में मिल जाता है, कैंसर का बड़ा कारण होता है। क्या लगता है कि इन सारी चीजों पर भी बदलाव होगा? देखिए अंकुर जी, बिल्कुल सही कहा कि ये एक अपने आप में बड़ा ही चिंता का विषय था, लगातार इसके बारे में सोचते रहते थे कि आखिरकार किस तरीके से इसका हल निकाला जाए। खैर, ये हम सोच रहे थे, एक्सपर्ट सोच रहे थे, वैज्ञानिक सोच रहे थे, अब सरकार ने जिस तरीके से इस पर बड़ा एक्शन लेने की सोची, क्योंकि FSSAI को भी इस बात का थोड़ा सा यानी चिंता सताई जा रही थी कि अगर इस पर बदलाव नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि हम चाहे चाय की बात की जाए, चाय के लिए प्लास्टिक के कप जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या फिर अभी आप फ्रेंच फ्राइज की बात कर रहे थे, चिली पोटैटो की बात कर रहे थे, जो यानी कि गर्म चीज़ें होती हैं उन्हें जब इन एल्यूमिनियम की फॉइल में डाल दिया जाता है, जब उनको पैक कर दिया जाता है, या फिर हम गर्म गर्म परांठों की बातें करें तो उन्हें पैक करके क्या करते थे, हम ले लेते थे और हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ हमें भूख लगती थी और भूख को मिटाने के लिए हम जल्दी जल्दी खाना खा लिया करते थे। खैर, अब जो बदलाव किया गया है उसमें ये है कि खाना पैक तो होगा लेकिन उन चीजों से पैक नहीं होगा जिसमें जहरीले तत्व होते हैं, और साथ ही अभी एक लेयर से पैक हुआ करते थे खाना, अब उसके लिए डबल लेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यानी कि उस पर जहरीले तत्व ना आ पाए और गर्मी की वजह से या हीट की वजह से खाने पर वो चीजें ना उतर पाए। इसलिए डबल लेयर का हम इस्तेमाल करेंगे। बताना चाहूंगा
कि बदलाव क्या है, स्तुति क्या है, फिर उसके बाद में रिजवान जी से चर्चा करूंगा। लेकिन आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक खाद्य पदार्थों में आपने देखा होगा कि प्लास्टिक्स में बहुत सारे सामान मिलते हैं जिस पे लगातार सरकार ने भी रोक लगाई है। दिल्ली सरकार की बात करूं, उन्होंने भी लगाई है, केजरीवाल गवर्नमेंट में भी प्लास्टिक के सामान में बिक्री को रोक लगाई गई थी। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट में भी अखिलेश सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया था, और कहीं ना कहीं मानकों को देख के, क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अब FSSAI की बात करूं तो उन्होंने कहना यह है कि भाई अब अगर वो प्लास्टिक्स को भी दोबारा रिसाइकल करके प्रोडक्ट में, मतलब खाद्य सामग्री में इस्तेमाल नहीं करेंगे। होता ये था कि प्लास्टिक, रिजवान जी, प्लास्टिक में सामान मिलता था, खाते थे हम लोग, और उसके बाद वो प्लास्टिक्स जब जाता था तो वो फिर रिसाइकल हो जाता था, फिर उसके बाद उसमें नया प्रोडक्ट आ जाता था। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बार बार रिसाइकल करना भी बीमारी की जड़ था। और एक बात और बताना चाहूंगा कि बॉटल्स भी अब ट्रांसपेरेंट होंगे, जिसमें आप चाहे कोई भी ड्रिंक पियेंगे तो आपको आर पार दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या है। अब वो ना पे ना ही उसमें रैपर की कोई चीज होगी जो कहीं ना कहीं चीजों को छुपाती है, वो भी नहीं होगी, ये बात कही जा रही है। अब स्पष्ट कब तक ये काम हो जाता है, 2020 तक बात की जा रही है कि जो मार्केट है $18 अरब के तकरीबन हो जाएगा भारत का, जो जो व्यापार की बात करूं, खाद्य सामग्री की बात करूं, तो अभी तक बात की जाए 2015 के आसपास, 12 के आसपास के आंकड़ों की, तो लगभग $12 अरब के आसपास की स्थिति थी। अब अगर हम बात करें स्थिति को लेकर खाद्य पदार्थों की, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, कहीं ना कहीं हमें ये समझाते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बढ़िया कदम है FSSAI। देखिए बिल्कुल अंकुर जी, ये अपने आप में एक अच्छा कदम है, नई पहल है। बात ये भी बताइएगा कि अभी प्लास्टिक में रिसाइकल ना होना क्या बढ़िया रहेगा, और ट्रांसपेरेंसी जो बोतल में दिखेगी वो कैसी रहेगी। देखिए अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि अगर कोई भी चीज़, असल में हम पहले देखते थे कि अगर पैकेड, यानी पैकेज है कोई चीज़, या फिर बोतल में बंद है, या फिर खाना अंदर छुपा हुआ है, तो उसमें कई बार ऐसा निकलता था कि जोमेटो उसका उदाहरण है, क्योंकि जोमेटो का उदाहरण ले लीजिए आप, ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो हाल ही में आया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि खाने के साथ किस तरीके की, यानी कि दुर्व्यवहार किया जाता है, या फिर मतलब ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं हो पाती है। कि मतलब वो झूठा भी हो सकता है, और वो तो है ही, देखो कल का खाना है, आज का खाना है, परसों का खाना है, नर्सों का खाना है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि खाना अंदर पैक हो रखा है, तो उससे हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। और झूठा है या फिर उसको किस तरीके से बनाकर परोसा गया है, उसके बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर कम से कम ये पता लग जाएगा कि आखिरकार खाना कैसा है। उससे लेने से पहले ही जितने भी ग्राहक रहेंगे वो समझ जाएंगे, और फिर वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए ही उस खाने को खरीदेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें कि रिसाइकल करने के बाद में क्या क्या सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखिए रिसाइकल करने के बाद में क्या होता है कि अगर हम एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरनाक हो ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर से जो चीजें होती हैं वो लगातार जहरीली होती हुई चली जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा कदम है कि बार बार रिसाइकल नहीं की जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि बड़े बड़े सेलेब्स हैं, उनको कैंसर की बीमारी हो रही है, आम जो लोग हैं उन्हें कैंसर की बीमारी हो रही है, क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कैंसर का है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लगातार हम इसके बारे में बात करते आए हैं, हम लोगों को ये बताते आए हैं कि कैंसर की बीमारी होती कैसे है, सिम्टम्स कैसे होते हैं, किस तरीके पर, यानी किस तरीके से इन पर निजात पाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमने अपने कई सारे प्रोग्राम में बातें की है। और इससे पहले भी हमने इसी को लेकर के 26 जनवरी पर, यानी 26 जनवरी के मौके पर बात की थी कि किस तरीके से इससे निजात पाई जा सके। शायद हमारी खबरों का असर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से पहल, और ये खबरों का असर उस वक्त देखने को मिल रहा है जब आप सबका सपोर्ट हमें मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जो रिस्पॉन्स आपका मिलता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं FSSAI भी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, और उन्हें लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, और इस पर हमें कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए, वरना आगे चलकर हालात बस से बदतर हो सकते हैं। बिल्कुल, बता दूंगा आपको, रिजवान जी की बात के आगे मैं चर्चा करता हूं और बताता हूं कि ये जो खाद्य सामग्री है जिसकी पैकिंग की जाएगी वो दस्ते में की जाएगी, एक प्लास्टिक में ज्यादातर देखा जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक में ना ही हो वो बेहतर है, इस पर काम जो किया जाएगा, कोशिशें यही होंगी। और बड़ी बात यह है कि प्लास्टिक से या फिर पैकिंग से खाद्य पदार्थों को ऐसे रखा जाएगा ताकि वो दस्ते में टच ना हो, गत्ते में टच ना हो, ताकि
कोई भी ऐसा तत्व खाने में ना मिल सके जिससे आपको बीमारी हो सके। ये बात स्पष्ट आई है FSSAI की। क्या लगता है आपको, पूरी सुरक्षा रहेगी क्या, फिर भी कमियां रह जाएंगी? देखिए अंकुर जी, यहाँ पर आपने अभी एक सवाल निशान छोड़ दिया। मैं देखो यहाँ मैं बताऊंगा कि गर्मा जब हीट होती है, चाहे हम डबल लेयर की बात करें या फिर सिंगल लेयर की बात करें, तो जो हीट होती है कहीं ना कहीं खाने की, उसमें वाष्प बन जाते हैं जी। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर हम चाहे प्लास्टिक की चीज लगाएं, एल्यूमिनियम की चीज लगाएं या फिर लोहे की चीज रखेंगे, तो जो अंदर का खाना होता है उसकी हीट की वजह से वाष्प बन जाते हैं। अब कहीं ना कहीं उस वाष्प की वजह से तो पानी गिरेगा अंदर, और अगर अंदर पानी गिरेगा तो खाना तो जहरीला होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम तो यही सोचेंगे कि जितना ज्यादा हो सके वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से ही जो बीमारियां पनप रही हैं उसकी सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो ये है प्लास्टिक। इसी पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर के लगातार सरकार भी नए नए कदम उठाती है, पॉलिथीन को बैन कर दिया है, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ तो पॉलिथीन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी, आपने हमसे इस खास चर्चा में बात की। और दर्शकों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये बदलाव कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम माना जाएगा, और अगर ये बदलाव 2020 तक दिखता है तो हम स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं सजग होते FSSAI के कदम के अनुसार जरूर आगे बढ़ेंगे। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आपसे कहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल क्यूरेन ही आयुर्वेदा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, तभी आपको वीडियो दिखती रहेगी। जनाब नमस्कार।